तो सपा संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सोमवार को निधन हो गया। वो 82 साल के थे। मुलायम सिंह यादव को यूरिन संक्रमण, ब्लड प्रेशर की समस्या और सांस लेने में तकलीफ के चलते पिछले दिनों गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले रविवार से उनकी हालत जो है वो नाजुक बनी हुई थी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सपा कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई है। यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। अब आपको बता दें कि 22 अगस्त को मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। मुलायम सिंह को 1 अक्टूबर की रात को ICU में शिफ्ट किया गया था। मुलायम सिंह यादव का मेदांता के डॉक्टरों का पैनल जो है वो इलाज कर रहा था। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। तो मुलायम सिंह यादव ने मेदांता अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली हैं। सुबह करीब 8:30 बजे 8:16 के पास सूचना आती है कि मुलायम सिंह यादव जो है अब उनका निधन हो चुका है। तो 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। तो मंगलवार को सैफई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो मुलायम सिंह के यादव के निधन के बाद उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक भी रखा गया है। तो 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ने अंतिम सांसें ली है। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे जिसके बाद अब मेदांता में उनका निधन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं तमाम समर्थकों में शोक की लहर दौड़ चुकी है। उनके नेताजी समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। तो मुलायम सिंह यादव ने मेदांता अस्पताल में अंतिम सांसें ली है। आज से 92 दिन पहले उनकी पत्नी का भी निधन हुआ था और अब मुलायम सिंह यादव सपा के संरक्षक, इनका भी निधन हो चुका है।